हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, और इस स्टोरी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आप लोग भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। एक बार एक आदमी होता है, उसके पास एक घोड़ा होता है। अपने घोड़े से उसको बहुत प्यार होता है। घोड़ा उसकी बहुत सारे कामों में मदद करता है, जैसे उसके लिए सामान ढोता है, पानी खींचता है कुएं से। उसके साथ में जो नेबर्स रहते थे, जो अड़ोसी पड़ोसी थे, वो बहुत जेलस होते हैं। उस आदमी से बहुत जलते हैं और उसके घोड़े से बहुत जलते हैं। वो हमेशा ये चाहते होते हैं कि इसका घोड़ा भाग जाए, बट उसके सामने, उसके मुंह पर हमेशा वो ये बोलते हैं कि तुम तो कितने लकी हो, तुम्हारा घोड़ा तो सारा काम करता है। तो ऐसा ही होता है एक दिन कि घोड़ा भाग जाता है। नेबर्स बहुत खुश होते हैं, मगर उसके सामने आते हैं और अपना दुख जाहिर करते हैं कि अरे तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया, अब तुम कैसे करोगे। वो आदमी कहता है, घोड़ा भाग गया तो क्या हुआ, मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेबर्स को बहुत सरप्राइज होता है, वो कहते हैं कैसा आदमी है, हमें लगता था ये तो दुखी होगा, मगर ये तो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। थोड़े दिनों के बाद घोड़ा वापस आता है और अपने साथ 5 घोड़े और लेकर आता है। अब टोटल 6 घोड़े हो जाते हैं और वो सब मिलकर उसका काम करते हैं। उसके लिए तांगा भी चलाते हैं, सामान भी ढोते हैं, कुएं से पानी भी खींचते हैं, और इतने सारे घोड़े होने की वजह से वे औरों का काम भी करवाने लगता है और खूब पैसे कमाने लगता है। अब वो आदमी काफी पैसे वाला हो जाता है। तो नेबर बहुत जलते हैं, उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत खुश हो गए, तुम्हारे पास अब 6 घोड़े हो गए हैं। वो आदमी कहता है, सब ठीक है, भगवान की ऐसी मर्जी है, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेबर्स को फिर आश्चर्य होता है कि कैसा आदमी है, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा एक घोड़े पर सवारी कर रहा होता है और वो गिर पड़ता है और उसकी टांग टूट जाती है। नेबर्स को जैसे ही पता चलता है, वो बहुत खुश होते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमें बड़ा दुख है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। वो आदमी कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की ऐसी मर्जी थी। कुछ दिनों के बाद उनके राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ जाती है और राजा ऐलान करता है कि सारे जवान लड़के सेना में शामिल हो जाएं। उस आदमी की बेटे की टांग टूटी होने की वजह से वो नहीं जाता, उसके नेबर्स के बेटों को जाना पड़ता है। फिर उसके नेबर्स बहुत दुखी होते हैं और दुख मनाने आते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, वो तो रह गया और हमारे बेटे सब के सब फौज में चले गए। कहते हैं, तुम तो बहुत लकी हो। आदमी कहता है, मैं लकी नहीं हूँ, भगवान जैसी सिचुएशन भेजते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करके अपना बेस्ट करता हूँ, मैं सिचुएशन के हिसाब से सुखी दुखी नहीं होता, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ और यह सोचता हूँ कि सिचुएशन तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, बट उसका रिस्पॉन्स तो मेरे कंट्रोल में ही है, सुखी होना और दुखी होना मेरे कंट्रोल में है। अगर मुझे चोट लगी है तो मुझे दर्द तो होगा, बट सफरिंग मेरे कंट्रोल में है। फ्रेंड्स, हम सब के लिए ये बात सीखने की है कि हम सब लोग भी सिचुएशन के हिसाब से सुखी दुखी ना हो। छोटी सी बात में हम एकदम खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात में एकदम दुखी हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारा बहुत एनर्जी लॉस होता है, माइंड का बैलेंस बिगड़ता है और लाइफ में हम कभी अच्छा नहीं कर पाते। हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसको बेस्ट तरीके से जीना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।